भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आज दहिसर चेक नाके के जम्बो कोविड सेंटर का दौरा किया और वहां की दीन दीपा श्रेयस से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड सेंटर के नाम पर लूट मची हुई है, मनपा मनमाने ढंग से कोविड सेंटर के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रही है, जिसे मैं जल्द ही जनता के सामने लाऊंगा और इस सरकार को नंगा करूंगा। इस अवसर पर दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी, नगर सेवक जगदीश ओझा, अरविंद यादव आदि भाजपा के नेता मौजूद थे। कोविड सेंटर में जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनकी स्थिति क्या है, तो एक मुद्दा यह है कि जब कोरोना था, फिर डेल्टा था और अब ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन में मामूली लक्षण है, पेशेंट रिलैक्स है। दूसरी बात कि महापालिका के कोविड सेंटर खाली है, जो पेशेंट भर्ती होते हैं तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। मामूली नंबर ऑफ पेशेंट जो कोमोर्बिडिटी वाले हैं उनको ही थोड़ी लंबी 5-7 दिन की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। आपने इसे कोविड सेंटर पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। मुद्दा ऐसा है, हम देख रहे हैं गया 8-10 दिन से मुंबई महापालिका सत्ताधारी नेता, राज्य के आरोग्य मंत्री जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के नाम से लॉकडाउन और भय टेरर फैला रहे हैं, ये इमेच्योरिटी नहीं है, इसके पीछे कोविड की कमाई छिपी हुई है। हम भी कहते हैं ओमिक्रॉन से सावधान रहो, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक और आपका महापालिका आयुक्त कह रहा है जिन्होंने 2 वैक्सीन लिए उनको कोई टेंशन नहीं, वो आराम से घर वापस जा रहे हैं, तो फिर दोनों वाक्य साथ में नहीं जा सकते। टेरर खड़ा करने का उद्देश्य क्या? सत्ताधारी पार्टी के नेता ने गए साल भर में कोविड सेंटर सिर्फ कमाई के लिए उपयोग किया है, वो घोटाला मैं 10 दिन के बाद में जनता के सामने रखूंगा।